हिंसा में मरने वालों के आंकड़े पर मरने वालों का आंकड़ा 38 तक जा पहुंचा है। हिंसाग्रस्त इलाकों से उपद्रवी तो गायब हैं, लेकिन उपद्रव के निशान हर तरफ दिखाई देते हैं। मौत की चीखें बेशक नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मातम का धुआं आपको इन तस्वीरों में भी दिखाई देगा। हिंसा शांत है, लेकिन घर दुकान में शोलों के कालक है, लेकिन जिंदगी रफ्तार पे लौटती हुई दिखाई दे रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने मोर्चा संभाला है, तो हालात सुधर भी रहे हैं। गम को खोकर ये इलाके फिर से जिंदगी की गाड़ी में सवार हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुकानें खुली हैं आज के दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में। लोग घरों से बाहर निकले हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए। डर का माहौल है, लेकिन हालात सुधारने के प्रयास हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं। उधर हिंसा के आरोप में आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद को बाहर कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी बाकी है। सियासत के बुनियादी सिद्धांतों के तहत नेता मौत और मातम की जमीन पर खड़े होकर भी अपनी दुकान चमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकने और छत पर मौजूद दर्जनों उपद्रवियों की तस्वीर जब वायरल हुई तो बवाल मच गया। शुरू में तो आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब न सिर्फ पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी उसे अपनी पार्टी से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। वीडियो में फंसने के बाद ताहिर हुसैन पर न सिर्फ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, बल्कि पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आईईबी के युवा अफसर अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मर्डर के आरोप में आईपीसी की धारा 302, 201, 365, 34 के तहत केस दाखिल हुआ है। वायरल वीडियो में उपद्रवियों के साथ दिखने वाले ताहिर हुसैन की पहले फैक्ट्री सील की गई, कुछ घंटों में हत्या का केस दर्ज हुआ और बाद में जांच पूरी होने तक आपने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आखिरकार 302 का मामला दर्ज कर दिया। साथ साथ इस मामले में अंकित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी खुलासा हुआ है कि अंकित की जो हत्या की गई थी, वो चाकू के कई निशान मिले उसके शरीर पर। साथ साथ अभी तक जो ओवरऑल एक्शन हुआ, 48 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। साथ साथ 500 के आसपास लोगों को डिटेन्ड और अरेस्ट किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन उपद्रवियों की पुलिस पहचान कर पाएगी या नहीं, क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने हेलमेट पहना था, मास्क पहना था, उन्होंने सीसीटीवी तोड़ दिए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके खजूरी खास में ताहिर हुसैन की फैक्ट्री को पुलिस ने सील कर दिया है। खजूरी खास के जिस इलाके में ताहिर खान की 4 मंजिला इमारत को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, उस इमारत की हर मंजिल पर तबाही, बर्बादी और बवाल मचाने का पूरा जखीरा हाथ लगा है। कहीं पेट्रोल बम, कहीं पत्थर के टुकड़े, कहीं तेजाब के पाउच, तो कहीं पत्थर को बरसाने के लिए गुले। ये देखिए, तमाम पत्थर, पेट्रोल बम पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई, और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहाँ से अटैक किया जा रहा था। ये 3 पेट्रोल बम यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। हिंसा की आग में झुलसा उत्तर पूर्वी दिल्ली अब अमन चैन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने भी राजधानी के इस बड़े इलाके को 4 दिनों तक बर्बादी और दहशत का अड्डा बनाकर रखा है, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली से चिराग गोठी, अरविंद ओझा और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके में जो हिंसा भड़की, उसमें आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की जान चली गई। अब अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि किस बेरहमी से उपद्रवियों ने इस हत्या को अंजाम दिया। मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से कैच कर ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को कैच कर। इस परिवार की तकदीर में बस अब ये तस्वीर ही बची है। अंकित को याद करने के लिए इस परिवार को बस इस तस्वीर का ही सहारा है। अंकित की माँ उस दिन को याद करती है तो सहम जाती है, जब उपद्रवियों की भीड़ ने उनके घर पर धावा बोला। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी, अंकित मार दिए, तू एक मेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा, आंटी मैं भी जा रहा, मैं बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले।
मेरा बेटा कह लगा आंटी कह रही है मार दिया कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा मैं ये बच्चा ले गया वहाँ मेरा बच्चा गली से ही निकला होता गली में से ही खेच कर ले गए मेरे बच्चे को। हिंसक भीड़ ने इस मां के बेटे और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। हिंसा की आग में इस घर की खुशियां खाक हो गई। इस परिवार की आप बेटी जितनी दर्द भरी है उससे कहीं ज्यादा झकझोर देने वाली अंकित के साथ हुई बेरहमी है। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ ने अंकित के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। अंकित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी खुलासा हुआ है कि अंकित की जो हत्या की गई थी वो चाकू के कई निशान मिले हैं उसके शरीर पर। साथ साथ अभी तक जो ओवरऑल एक्शन हुआ 48 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। साथ साथ इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि लगातार जो सिचुएशन है वो नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू के अनगिनत निशान मिले हैं। ये निशान अंकित शर्मा के पेट और सीने पर हैं। ये निशान बताते हैं कि किस बेरहमी के साथ अंकित शर्मा पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए गए। चाकू या किसी धारदार हथियार से अंकित शर्मा के शरीर को गोद दिया गया। अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि अंकित के साथ हिंसक भीड़ के भेड़ियों ने कैसे हैवानियत की सारी हदें पार की हैं। ताहिर हुसैन पर हत्या के आरोप लग रहे हैं और अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। चिराग गोठी, तनसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ताहिर हुसैन से लेकर हिंसा तक पर सियासी बाण जारी है। नेता क्यों नहीं समझ पा रहे कि जब लोगों को उनका इंतजार था तो उस समय वो लापता थे, लेकिन अब सियासी बोली दाग रहे हैं। सांप्रदायिकता की विरासत और दंगों पर सियासत के ये पेशेवर लोग हैं। ये ऐसे पेशेवर पार्टियां हैं जिनका कि इतिहास दंगों से दागदार है। ये कभी पीस के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे, प्रवोक करने में इंटरेस्टेड रहे हैं, लोगों को भड़काने और उकसाने में इंटरेस्टेड रहे हैं। और किस तरह से ये बैशिंग ब्रिगेड जो है, बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने बात का बतंगड़ बनाया, किस तरह से इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड ने झूठ को पूरे गलत तरीके से लोगों तक परोसा और लोगों को प्रवोक किया और आज ये स्थिति खड़ी हुई है कि हर चीज़ की कोई राजनीतिकरण का सवाल नहीं उठता। मैंने त्रुटि की है, मैंने निंदा की है, चाहे वो निर्णय स्थानांतरण करने का कोलिजियम का हो, चाहे वो निर्णय में हस्तक्षेप किया हो कार्यपालिका ने। अगर राजधानी में आपके नाक के नीचे पुलिस देख रही है और मारकाट हो रही है, खुले आम लोग एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं, धार्मिक बातें कर रहे हैं, उत्तेजनापूर्वक एक वातावरण फैला रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय एक दुख की, राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं होगी? नेताओं के बयान आपने सुने, लेकिन इस बीच ग्राउंड के जीरो के चप्पे चप्पे पर आज तक संवाददाता मौजूद हैं। साजिश के निशान से लेकर हिंसा के सबूत और जिंदगी के मातम तक पर पैनी निगाह इनकी बनी हुई है। हमारी रिपोर्ट देखिए। मैं चांदबाग इलाके में करावल नगर के खड़ा हूँ इलाके में। आप देख सकते हैं कि दुकानें खुल गई है, ये रोजमर्रा की दुकानें, बेकरी की दुकान है। कितने दिन के बाद आपने ये खोली है दुकान? 5 दिन बाद खोली। आज लोग सुबह से लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए घरों में। बच्ची आप लेने आई है घर के लिए सामान? यस। कितने दिनों के बाद आप खरीदने आई है यहाँ पे? 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद देख सकते हैं कि ये हलवाई की दुकान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग घरों में लेके जा रहे हैं, पूरियां बनाई जा रही है। कितने दिनों के बाद दुकान? 5 दिन के बाद। लोग कितने सुबह कितने बजे खोली आपने? 8 बजे। 8 बजे तो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म पूरी ये बना रहे हैं और सब यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं खरीदारी करने आ रहे हैं। आप खरीदने आए हैं पूरी? और आप देख सकते हैं कि दूध की दुकान भी, दूध की बड़ी किल्लत थी यहाँ पर और दूध की दुकान भी खुल गई है। कितने दिनों के बाद दिक्कत है? बहुत दिक्कत थी, लोग करते दूध नहीं मिलता, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही थी, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं था बिल्कुल भी। 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद आज दुकान खोली है। तो कितने बजे दुकान खोली आप? अभी आधा घंटा हुआ खोले में। तो आप देख सकते हैं कि दूध की दुकान है, हलवाई की दुकान है, जो रोजमर्रा की दुकान है वो सब खुल गई है। और यहाँ पर मेरे साथ काउंसलर है यहाँ के,
ताज मोहम्मद साहब इसी इलाके के, उनसे बात करते हैं। ताज मोहम्मद साहब, अभी सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं यहाँ पर? मैं एक्स काउंसलर हूँ, 10 साल में यहाँ से काउंसलर रहा नेहरू विहार से। अभी स्थिति सारी नॉर्मल है, और इससे पहले भी मैं समझता हूँ चांद बाग में कोई ऐसी बात नहीं थी। आपस में डर का थोड़ा माहौल था, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग लगभग 40 साल से निवास करते हैं। मेरे साथ यहाँ राजेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, तोमर साहब हैं, तो हाजी दिलशाह साहब हैं। यहाँ हम सभी आपस में प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहते हैं। क्यों मिश्रा जी, यहाँ पर हालात बहुत सामान्य हो चुके हैं और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? आज मैं भी यहाँ करीब 40 साल से रह रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा कभी जो नज़ारा आज देखने को मिला ऐसा कभी नहीं मिला। हमेशा से हम बड़े प्यार से दोनों समाज मिलजुल के रहे हैं, कोई त्यौहार भी आता है तो मिलजुल के मनाते हैं। आज भी हमारे चांदबाग में शांति है। और इस वक्त चांदबाग में हमारे संवाददाता अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक जी, ये बताएं कि आज जब आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हालात अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, लोग अब संतुष्ट हैं इस बात से या उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ अब वो सुरक्षित हैं, आगे इस तरह की घटना नहीं होगी? बिल्कुल, यहाँ पे जनजीवन सामान्य हो चला है, दुकानें खुल गई हैं और जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो हलवाई की, दूध की, बेकरी की और केमिस्ट की दुकानें, और पुलिस वाले खुद इनिशिएट कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा साहब और अधिकारी हैं यहाँ पे काफी, इन्होंने खुद लोगों से कहा कि आप दुकानें खोलिए, आपको किसी प्रकार का आशंका होने की जरूरत नहीं है, आशंकित मत हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ खुद मौजूद है मौके वारदात पर, देखिए ये दुकान है केमिस्ट की, यही दुकानें उन्होंने आकर के खुलवाई हैं डॉक्टर ओपी मिश्रा साहब और उनके अधिकारियों ने। मिश्रा जी, आज आप लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि दुकानें खोलिए जो जरूरी है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस दुकान को खोलने की रिक्वेस्ट जो है हमारे पास, खुद दुकानदार ने आके कहा कि हम लोग केमिस्ट की दुकान है, हम खोलना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल खोलिए आप, और आप हम लोगों के प्रेजेंस में ही खोलिए। और हम अभी जिस इलाके में हैं, ये चांद बाग इलाका है, यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 2-3 दिन से जो हम लोगों का एक जनता के साथ संपर्क और जो हमारा एक फ्लैग मार्च है, हम गली गली में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और हमारा बेसिक पर्पस यही है कि जो यहाँ ऐतिहासिक रूप से इनका अपना एक जनजीवन रहा है, जो सौहार्द का जीवन रहा है, वो धीरे धीरे रिवाइव हो, और ये सारे जो सिम्टम्स साइंस हैं वो उसी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के हैं। और ये कल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस सड़क पर, हम पहले दिन जब थे यहाँ पे बहुत कम लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पे, जिनको काम पे जाना है वो काम पे जा रहे हैं। दुकानें ग्रॉसरी वगैरह की तो कल से ही खुली हुई है, और बहुत गलियों में भी कई छोटे छोटे मार्केट्स हैं जहाँ लोग सब्जी उब्जी रखते हैं, वो सब्जी वगैरह भी की दुकान वहाँ खुली। मार्केट कब तक खुल जाएगी, बाकी चीज़ें? आई थिंक अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं, और आज जो लोग यहाँ पे, कई मस्जिद हैं हमारे, बड़े बड़े मस्जिद, छोटे मस्जिद हैं, हर मस्जिद पे हमारे इंतज़ाम लगे हैं। और हम जानते हैं कि जुमे के नमाज पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आके ऑफर प्रेयर करते हैं वहाँ पे, उनको भी हमने इलाके के जो भी यहाँ के अमन कमेटी के हमारे लोग हैं और बाकी मौजूद लोग हैं, उनके साथ भी कल हमने रास्ता जो है इस्टेब्लिश किया, उनके साथ बातचीत करने के बाद, और उनको हमने अश्योर किया है कि कल के जुमे की नमाज में आप उसी तरह जुमे की नमाज पढ़िए जैसे रोज रात पढ़ते हैं, बिना किसी डर के। आपके दिमाग में ये डर, जब आप अल्लाह को याद कर रहे हैं तो आपको कोई ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे है, ये हम हर अक्रॉस दोनों कम्युनिटीज, जो भी यहाँ कम्युनिटीज रहती हैं, उन सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं। ज्यादा आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत काम करना है और जगह जगह लोगों को करना है। ये थे डॉक्टर ओपी मिश्रा साहब, ज्वाइंट सीपी और पूरे तमाम अधिकारी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट खुल चुकी है, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, ये जा करके गली गली में लोगों के पास यही कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और जनजीवन काफी सामान्य हो चुका है, दुकानें जो हैं कई खुल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पुलिस के अधिकारी और लोग जा करके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये लोग अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि कि आप लोग निश्चिंत रहें किसी प्रकार की, यहाँ पर साथ में माइक वाले चल रहे हैं, स्पीकर लेके चल रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, कोई यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और नॉर्मलसी की तरफ काफी बढ़ चुका है, मार्केट खुल रहे हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। जिस मौजपुर इलाके में हिंसा भड़की थी, अब वहां जिंदगी पटरी पर लौट रही है, इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मिलन शर्मा।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के बाद अब स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, खड़ी है, तैयार है। उनके पीछे आप देख सकते हैं कि दुकानें इस वक्त बंद हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की दुकानें हैं, चीजें हैं, दूध, ब्रेड, सब्जी वगैरह, अब थोड़ी सी खुलने लग गई हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है इस वक्त यहाँ पर, और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों के निजी सामान के लिए एक दूध की दुकान भी खुल गई है। हालांकि यही वो जगह है जाफराबाद की मौजपुर चौक जहां से दंगों की शुरुआत हुई थी, इसी कारण से एक तरफ आप देख सकते हैं कि अब भी फोर्स की तैनाती यहां पर है और दुकानें अभी भी बंद हैं। ये दुकानें तब खुलेंगी जब लोगों में आपस में विश्वास पैदा होगा और लोग डर के बजाय घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन रोड पर अभी भी आवाजाही दिख रही है। आज लोग बहुत दिनों बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर वापस आए हैं और इससे पता चलता है कि स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है और चीजें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लोकेंद्र पांडे के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक। हिंसा की आग तो बुझ चुकी लेकिन दहशत अभी बाकी है। नॉर्थ ईस्ट के मुस्तफाबाद इलाके में लोग रात भर जाग जाग कर गलियों में पहरा दे रहे हैं। इस दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में है जहां पे कुछ दिन पहले दंगे हुए और इस वक्त हम खड़े हैं एक इलाके में जहां रात के समय, इस वक्त समय 10 बज रहा है और जो यहां के लोग हैं, खास करके जो यहां के नौजवान हैं, ये पहरा दे रहे हैं। खास बात ये है कि यहां पे हिंदू और मुस्लिम परिवार एक साथ रहते हैं। जिस दिन दंगा भी हुआ उस दिन भी ये लोग साथ थे। पीछे हम देख सकते हैं बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं और यही इनकी रोज की अब रूटीन बन गई है। जिस दिन से दंगे भड़के, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग ये बैरिकेड लगाया हुआ है। एक बैरिकेड यहाँ पर है, एक बैरिकेड इन्होंने आगे भी लगाया हुआ है और वो रही मेन रोड, वहीं से लोग अंदर आए थे। हालात, स्थिति पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ, जो लोग अपने घरों में, जिन लोगों के आग लगी, उनके पास कोई चारा नहीं है, उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। खौफ लोगों में अभी भी है, लेकिन इनका मानना है कि अगर साथ मिल के ये इसी तरह रहें तो कोई इस तरह की इंसिडेंट, इस तरह के हादसे आगे आने वाले दिनों में शायद ना हों। कैमरा पर्सन महेश के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।